दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। बिना समय गवाए हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं। मैं आज आपके साथ बात करूंगा सूर्य के साथ में राहु की युति या फिर अन्य ग्रहों की युति होती है तो इसका क्या फल रहता है। वैसे मैं युतियों को लेकर के लगातार चर्चा कर चुका हूं पिछली सीरीज में। मैं एक ग्रह के साथ, यानी कोई भी दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह, पांच ग्रह, छह ग्रह, सात ग्रह जब युति कर बैठते हैं तो उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन राहु के साथ बुध अगर बैठेंगे तो यहाँ पर बुध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सबसे पहले बुद्धि, वाणी, व्यापार, इन चीज़ों पर इसका इफेक्ट मिलेगा। अगर बुध यहाँ पर बलवान है, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव पर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध यहाँ सकारात्मक परिणाम देंगे। राहु का जो दुष्प्रभाव होगा उसकी मात्रा काफी कम हो जाएगी, चाहे वो दशा काल में हो या फिर सामान्य रूप से हमेशा देखा जाए, तो इसको हमें समझना चाहिए। दूसरा यहां पर क्या है कि अगर राहु बलवान है और बुध की स्थिति कमजोर है तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जड़ योग की स्थिति बनेगी, क्योंकि जड़ योग तो बन ही रहा है, बुध के साथ बैठेगा। लेकिन जड़ योग बनने के साथ साथ यहां पर जड़ता किस चीज में आएगी, वाणी की जड़ता आएगी, बुद्धि का आएगा। लेकिन अगर यहाँ प्रबल है योग, बुध यहाँ पर कंडीशन उनकी अच्छी है, तो ऐसे लोग बड़े व्यापारी बन सकते हैं, फाइनेंस में उनका अच्छा पकड़ हो सकता है, मैनेजमेंट में अच्छी पकड़ हो सकती है, या फिर सीए हैं, वकील हैं, ऐसे लोग बन सकते हैं और अच्छा लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन एक चीज और है, राहु यहाँ अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मूल स्वभाव का फल देता रहेगा लेकिन सूक्ष्मातिक उसका फल मिलेगा, दशाओं में मिलेगा, प्रत्यंतर में मिलेगा, तो उसका प्रभाव रहेगा लेकिन सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलेंगे। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता, और कौन से पीरियड में इसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा वह हमें रीड करना पड़ेगा। तो दर्शकों, आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।